engine dismantling, cylinder or piston, कैम स्प्रॉकेट को निकालिए और फिर कैम चेन को पकड़कर सिलेंडर हेड गैस्केट को निकाल दीजिए। कैम चेन को पकड़े रखें और ये सुनिश्चित करें कि कैम चेन लेफ्ट क्रैंक केस कवर में न गिरे, वरना ये क्रैंक शाफ्ट को घूमने नहीं देगा। डबल पिन्स निकालिए, कैम चेन गाइड निकालिए, कैम चेन को पकड़िए और फिर सिलेंडर को निकालिए। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि सिलेंडर निकालते समय कनेक्टिंग रॉड क्रैंक केस पर मुक्त रूप से न गिरे। सिलेंडर को साइड की ओर से नरम सतह पर रखें। लाइनर को क्षति से बचाने के लिए हमेशा सिलेंडर को साइड की ओर से नरम सतह पर रखिए। ये सुनिश्चित करें कि कैम चेन लेफ्ट क्रैंक केस में न गिरे। पिस्टन के नीचे के क्रैंक केस के खुले सिरे को एक शॉप टॉवल से ढक दें। पिस्टन पिन क्लिप को क्रैंक केस में गिरने से बचाने के लिए क्रैंक केस के खुले हिस्से को हमेशा शॉप टॉवल से ढकें। अब सर क्लिप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करके पिस्टन पिन क्लिप को निकालें। पिस्टन पिन को दूसरी तरफ से दबाकर पिस्टन को निकाल लें। पिस्टन पिन बॉस को खरोंच के निशान से बचाने के लिए पिस्टन पिन को गोल किनारों वाली उचित छड़ का प्रयोग करके बाहर निकालें। स्कर्ट के किनारों को क्षति से बचाने के लिए हमेशा पिस्टन की ऊपरी सतह को नीचे की ओर करके रखें। डबल पिन्स निकाल लीजिए।